तो फ्रेंड चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज वन। ओके देखिए पहला क्वेश्चन है मैं खुश हूँ। अब तो जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधा डायरेक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं खुश हूँ तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, तो एम लगा दीजिए आई एम, और खुश का होता है हैप्पी, तो मैं खुश हूँ का क्या हो जाएगा आई एम हैप्पी, ठीक है। फिर फुल स्टॉप आप लगाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं स्वस्थ हूँ तो फिर से आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगाएंगे, स्वस्थ का क्या होता है फ्रेंड हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी। फिर मैं चालाक हूँ, ओके तो फिर क्या हो जाएगा आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड तुम बुद्धिमान हो तो तुम का क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा आर, ठीक है। तो यू के साथ हम आर लगाते हैं, जब मेरा सब्जेक्ट यू रहे तो हम क्या लगाते हैं आर, फिर यू आर लगाएं, उसके बाद बुद्धिमान का क्या हो जाएगा वाइज। ओके नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग का क्या हो जाएगा यू, फिर यहाँ पे आर लगेगा इसके साथ, मेहनती का क्या हो जाएगा लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस। ओके फ्रेंड फिर देखिए तुम लोग ईमानदार हो तो तुम लोग का हो जाएगा यू, फिर यू के साथ आर आएगा, उसके बाद ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, कर इट फ्रेंड। फिर देखिए आप बहादुर हैं तो क्या हो जाएगा यू आर, बहादुर का क्या होता है ब्रेव, यू आर ब्रेव। देखिए जितना भी ये सब वर्ड मीनिंग जो आ रहा है ना फ्रेंड, ठीक है, उसको आप याद करते जाइएगा पूरा, ऐसा नहीं कि आज छोड़ देंगे कल से याद करेंगे, नहीं, आज पूरा एक एक्सरसाइज जो वन जो है ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम, ठीक है, वर्ड मीनिंग के साथ। ओके हम लोग अमीर हैं तो हम लोग का हो जाएगा वी, वी के साथ क्या लगेगा आर, उसके बाद फिर अमीर का रिच, वी आर रिच। ओके फिर देखिए हम लोग दयालु हैं तो क्या हो जाएगा वी आर दयालु का काइंड, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखिए राम तेज है तो क्या हो जाएगा राम इज इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, राम इज इंटेलिजेंट। देखिए राम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं इज लगाते हैं। ओके फिर देखिए श्याम उदास है तो फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे श्याम लिखेगा, श्याम, श्याम के साथ भी इज लगेगा, श्याम इज सैड। नेक्स्ट वह मोटा है तो यहाँ पे वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोटा है इसे पता चलता है कि कोई मेल है मतलब कोई लड़का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज फैट, ही इज फैट। फिर देखिए वह मोटी है तो इसका मतलब यहाँ पे सी लग जाएगा, सी इज फैट, ठीक है, चूंकि ये फीमेल के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट फ्रेंड, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं वह दुबला है तो क्या हो जाएगा ही इज थिन, ही इज थिन, डी एच आई एन, ठीक है, ओके समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब देखिए कॉन्सेप्ट जब सही रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि धड़ाधड़ बनाना शुरू करते हैं एकदम, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम बनाते चलेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा वहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके वह दुबली है तो क्या हो जाएगा सी इज थिन, सी इज थिन, टी एच आई एन। ललन मजबूत है तो क्या हो जाएगा ललन, ललन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ इज आएगा, तो ललन इज स्ट्रॉन्ग, ललन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वह कड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्जीव, ठीक है, तो यहाँ पे वह का आप डाइट लगा सकते हैं, डाइट इज, डाइट के साथ इज लगेगा, डाइट इज कड़ा का यहाँ पे हार्ड कर सकते हैं, डाइट इज हार्ड, डाइट इज हार्ड, जैसे देखिए ये कड़ा है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। बच्चा उदास है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ना अंडरलाइन लगाया गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस जो है आपको कुछ नोटिस करवाना चाहता है एक्चुअली, ठीक है, बच्चा उदास है, आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है, आप इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे यदि आप आर्टिकल ए लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अ चाइल्ड इज सैड, वो रॉन्ग हो गया, यदि आप लगाते हैं कि बच्चा उदास है चाइल्ड इज सैड तो भी वो रॉन्ग हो गया फ्रेंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का जो है हम यूज करेंगे। ओके तो पहले इसको समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, देखिए आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं फ्रेंड, दो होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें क्या आता है मेरा ए आता है और एन आता है, ठीक है,
और एक होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बार अच्छे से जब समझ जाइएगा तो फिर आप उसको बनाना शुरू कर दीजिएगा। आपको यदि डिटेल में जानना है आर्टिकल के बारे में तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है जितना मैं आपको समझ में आ जाए बस उतना आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आर्टिकल जो है वो छोटा चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो जितना मैं आपको समझ में आ जाए बस उतना मैं इसमें करवाऊंगा और हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आगे, ओके। तो देखिए आर्टिकल जो होता है वो ए एन द होता है और उसको हम लोग टू पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और एक आता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका द आता है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, मतलब वैसा नाउन, ठीक है, जो अनिश्चित हो उसके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और निश्चित आर्टिकल में क्या आता है फ्रेंड, तो आता है द, ठीक है। जब नाउन मेरा ना निश्चित रहे तब हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ओके। अभी आपको इतना समझना है, इतना यदि समझ में आ गया तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में और भी ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये निश्चित और अनिश्चित क्या है, देखिए बच्चा उदास है, तो फ्रेंड इस सेंटेंस को आप एक बार दो बार तीन बार पढ़ने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी को बोल रहे हैं कि बच्चा उदास है तो आप उस बच्चे के बारे में जानते हैं तभी ना आप बोल रहे हैं कि बच्चा उदास है। यदि आप उस बच्चे के बारे में नहीं जानते हैं कुछ तो आप कैसे बोलिएगा कि वो उदास है कि क्या है, आ रहा है समझ में। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है ना, कि ये जो बच्चा यहाँ पे जो आ रहा है वो डिफिनेट है, यानी कि निश्चित है, ठीक है, जिसको मतलब कि जो है वो जान रहा है लोग, ठीक है, कि किस बच्चे के बारे में बात कर रहा है, गॉट इट। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा फ्रेंड, द चाइल्ड, ठीक है, और फिर द चाइल्ड इज सैड, द चाइल्ड इज सैड। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, बच्चा उदास है तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज सैड, द चाइल्ड इज सैड। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम खास बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और जब कोई खास बच्चे के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, या वैसे नाउन के बारे में जिसको हम लोग जानते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं, बच्चे उदास है। फ्रेंड यहां पे आपने एक बच्चा को देखा तो बोला कि बच्चा उदास है, ठीक है, बच्चा उदास है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आपने ना एक से ज्यादा बच्चे को देखा उदास, एक से ज्यादा बच्चे को देखा उदास, ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे को आपने उदास देखा, तो यहां पे हो जाएगा बच्चे उदास है, यानी कि यहां पे एक था सिंगल था, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन उस बच्चे के बारे में आप जानते हैं, तो जिसके बारे में आप जान रहे हैं वहां पे हम द का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि द, फिर बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि चिल्ड्रेन में ना एस लगा देते हैं, एक्चुअली फ्रेंड चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, जो कि सिंगुलर होता है, और चाइल्ड का ही प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। इसमें एस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, चिल्ड्रेन ही जो है वो क्या है आपका प्लूरल में है, गॉट इट। तो जब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हम लोग पढ़े थे ना कि प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब के रूप में। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर सैड, द चिल्ड्रेन आर सैड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डाउट को जो है वो क्लियर करते चले जाएंगे। और यदि आपको जो है ये सब जैसे आर्टिकल आया इसमें से, ठीक है, उसको यदि पढ़ना रहेगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। देखिए वे लोग स्वस्थ हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे आर हेल्दी, दे आर हेल्दी, ठीक है। वे लोग भूखे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दे आर हंग्री, दे आर हंग्री। फिर देखिए वह पागल है, तो यहां पे सबसे पहले ही लिखेगा, ही के साथ ई जाएगा वर्ब के रूप में, उसके बाद पागल का क्या होता है, मैड, ठीक है, ही इज मैड। सीता सुंदर है, तो सीता यहाँ पे पहले लिख दिए हम लोग, सीता जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में है फ्रेंड, तो इसलिए उसके साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो सीता इज ब्यूटिफुल, सीता इज ब्यूटिफुल, ठीक है, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, आप सारा वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, ओके, छोड़ना नहीं आपको। उसके बाद है राम दयालु है, तो राम यहाँ पे लिखिएगा, राम चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसलिए इज लगेगा, राम इज काइंड, राम इज काइंड।
फिर देखिए लड़का अच्छा है, अब इस सेंटेंस को बताइए क्या होगा यहाँ पे, लड़का अच्छा है। तो आप इसको जब दो बार तीन बार चार बार जब पढ़िएगा तो हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको पता चलेगा, करे आप जो है किसी खास बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप वैसे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप जान रहे हैं, आप उसे जानते हैं तभी ना आप उसको बोलें कि लड़का अच्छा है। यदि आप नहीं जाने होते तो क्या आप ये बात बोलते हैं कि लड़का अच्छा है? नहीं ना, ठीक है। तो जब हम जान रहे हैं, ठीक है, तो हम इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, इस नाउन के पहले हम लोग द लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश के बारीकी को, बारीकियों को जो है हम लोग इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, और अंग्रेजी को हम लोग इस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, लड़के अच्छे हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, लड़के यहाँ पे फिर से आ रहा है, लड़के, ठीक है, लड़के अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप वैसे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। तो जब आप पहले से जानते हैं तो उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि द लिखना है, उसके बाद लड़के लिखा हुआ है तो द बॉयज कर देना है, द बॉयज, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आर लगेगा, द बॉयज आर, उसके बाद गुड, द बॉयज आर गुड, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है फ्रेंड। फिर देखिए, मोहन डरपोक है, तो आप मोहन पहले लिखिएगा, मोहन, मोहन के साथ फिर इज लगेगा और उसके बाद यहाँ पे टिमाइड लग जाएगा, ठीक है, मोहन इज टिमाइड, ठीक है ना, मोहन डरपोक है, मेरा भाई चालाक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए बहुत कोई क्या करता है कि मेरा अलग लिखता है, माई, फिर इज, फिर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तो आपको क्या करना है कि मेरा भाई जब एक साथ आ रहा है तो आपको मेरा भाई ना एक साथ लिखना चाहिए, जैसे कि आपको क्या लिखना है, माई ब्रदर, माई ब्रदर, एक साथ, मेरा भाई एक साथ आ रहा है ना, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, माई ब्रदर, एक साथ लिखना है, ओके। आप देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, आर लगा देते हैं, माई को देखते हैं और आर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे माई ब्रदर, ब्रदर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, भाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, इज लगेगा, माई ब्रदर इज, चालाक का हो जाएगा क्लेवर, माई ब्रदर इज क्लेवर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, गीता कमजोर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता लिखेगा, गीता, फिर इज लिखेगा, फिर क्या आ जाएगा, विक, गीता इज विक, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड वह दुष्ट है, यहाँ पे देखिए, तो वह दुष्ट है, तो आपको क्या करना है, ही के साथ फिर इज लगाइएगा, दुष्ट का क्या होता है, विकेट, डब्ल्यू आई सी के ई डी, ठीक है, ही इज विकेट। फिर देखिए, वे क्रूर है, तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना है, वे क्रूर है कि क्या लिखेगा, ही इज क्रूवेल, ही इज क्रूवेल, ठीक है। आप यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यदि आपको लगता है कि यहाँ पे हम वह के बारे में बात कर रहे हैं और उसको आदर सूचक में हम लोग वे बोलते हैं, तो आपको क्या करना है कि ही लगाना है, लेकिन यदि आपको पता है कि नहीं यहाँ पे प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा, तो दे लिखिएगा और दे के साथ फिर आर लिखिएगा, ओके। फिर देखिए, तुम और मैं भूखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फ्रेंड, इसको आप ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे तुम और मैं, ठीक है, तो तुम सबसे पहले यू लिखते हैं और एंड, यू एंड आई, यू एंड आई। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड कि ये दोनों तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, लेकिन अब इसके साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करें, ठीक है, हम यू के साथ आर लगाएं कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि तुम और मैं, यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, एक हो गया तुम और एक हो गया मैं, ठीक है, और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और जब प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इसलिए यू एंड आई आर होगा, यू एंड आई आर हंग्री, यू एन आई आर हंग्री। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड, अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, राम और मैं प्रसन्न हूँ, फिर यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम एंड आई आर हैप्पी, राम एंड आई आर हैप्पी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे, ठीक है, दो पर्सन है, यानी कि ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर यूज करते हैं, गॉट इट, अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तुम और गीता अमीर हो, तो यू, यू उसके बाद एंड फिर गीता, यू एंड गीता, ये तो प्लूरल हो गया, तुम और गीता, ठीक है ना, प्लूरल हो गया, इसके साथ हम आर लगाएंगे, यू एंड गीता आर रिच, गॉट इट। राम और श्याम तेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, पहले राम लिखेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, फिर हम लोग आर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे यार, क्योंकि राम एंड श्याम मिलकर के क्या बना दिया, प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया,
तो इसलिए इसके साथ आर का यूज करेंगे, ठीक है। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी। आप सब वर्ड मीनिंग जो है सब याद करते जाइएगा, गॉट इट। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले आप वे लोग लिखिएगा, उसके बाद हम आर सब्जेक्ट नहीं सॉरी पहले वे लोग लिखिएगा, फिर जाकर के हम क्या करेंगे कि वर्ब लिखेंगे। और देखिए मजबूत और मेहनती एक साथ आ रहा है, तो क्या लिखना है आपको, स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस। गॉट इट फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, राम और मदन बहादुर और तेज है, ठीक है। आप देखिए वर्ड का सेटिंग यहाँ पे देखिए, राम और मदन, तो पहले राम और मदन लिख देते हैं, राम एंड मदन, राम एंड मदन। अब ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा, तो राम एंड मदन आर। अब लिख दिए, अब क्या है वो लोग, तो बहादुर और तेज, तो बहादुर का यहाँ पे लिखेगा ब्रेव, एंड उसके बाद क्या करना है, इंटेलिजेंट, आई एन टी डबल एल आई जी ई एन टी। तो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ये सारा जो है हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, टोटल कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक दो बार आप देखिए, फिर अपने खुद से जो है उसको ट्राई कीजिए एक्सरसाइज वन बनाने का, ठीक है। और देखिए आपको कहाँ कहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, उस डाउट को जो है क्लियर करते चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो है इस वीडियो का जो है वो लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2 में, अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।